हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। किवें हो तुसी सारे? मैं उम्मीद करदी हाँ तुसी अपनी सेहत दा वधिया ध्यान रख रहे होवोगे ते पढ़ाई भी ठीक चल रही होएगी। ते आपां कर रहे सी सेकंड क्लास दी बुक वेलकम लाइफ। आओ उहदा फिफ्थ लेसन पढ़ते हाँ, आर होम्स यानी कि साडे घर। ए पार्ट, लेट सी आर होम्स। आओ साडे घर देखिए। एक आ घर हैगा जिथे इंसान रहिंदे ने। पंछियां दा घर बनिया होया घोंसला, कुत्ते दा घर बनिया होया, चूहे दा घर बनिया होया, पंछियां दा भी घर बनिया होया दरखत ते ऑन अ ट्री। फॉर टीचर, अध्यापक ले। फॉर द टीचर, द टीचर विल आस्क वर्बल क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स सच एज चिल्ड्रन वेयर डू यू लिव। अध्यापक बच्चों नूं मूंह जबानी सवाल पूछेंगे जिवें कि बच्चों तुसी कित्थे रहिंदे हो। आफ्टर दिस ही विल कॉल द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू टेल द नेम्स ऑफ द होम्स ऑफ दोज बर्ड्स। जब अध्यापक तुहानूं पूछ लैणगे भी तुसी कित्थे रहिंदे हो, उस तो बाद वह वक् वक् पंछियों के नाम लैके तुहानूं उन्हां दे रहिण स्थान बारे पूछेंगे। Via simple talk, the teacher will tell the students that the planet Earth does not belong only to the human beings, but it is also the home of animals and birds. ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਫ ਸਮਵਨ ਡਿਸਟਰੋਇਸ ਆਰ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ ਅਨਹੈਪੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੀ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਬਰਡਸ ਫੀਲ ਇਕੁਅਲੀ ਅਨਹੈਪੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਢਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। So we should never destroy the nest of any bird. ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Let us match. ਮਿਲਾਨ ਕਰੀਏ। The teacher will ask the students to match these. ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਚੂਹਾ। ਘੋਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਟ नेस्ट। डॉग इथे रहेगा, डॉग इनू मिला दिने आ। ते घर दे विच इंसान, ते ए पंछी रहेगा इथे। कुछ हुंदे ने पंछी जिहड़ा आलना बना के रहिंदे ने, कुछ हुंदे ने जिहड़े दरखत दे विच छेद करके रहिंदे ने। अगे आउटकम, इहदा की परिणाम होएगा? Through this activity, the student will know that the planet Earth is not the home of man only. इस क्रिया राही विद्यार्थियों विच ए जागरूकता आएगी कि धरती सिर्फ मनुख दा ही नहीं सगो दूजे जीव जंतुआ दा भी बसेरा हुंदा है। But it is also the home of other creatures. सिर्फ इंसाना दा नहीं, बाकी जीव जंतु भी रहंदे ने। We should live in harmony and peace. ते सारे नाल रल मिल के खुशी खुशी रहना चाहिदा है, शांति दे नाल। आगे चलते हैं। We all are friends. असी सारे दे सारे दोस्त हाँ, आड़ी हाँ। Objective यानी कि उद्देश की है एक गल करन दा। To inculcate the feeling of sympathy towards the environment and the animal and birds. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਗੱਲਬਾਤ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ? नजारे ले रहे हो? स्टूडेंट्स, यस सर, वी फील ग्रेट। विद्यार्थी कहते ने, हां जी सर जी, वधिया हां, मजे आ रहे ने। टीचर, वेल डन,
शाबाश, ऑलवेज स्टे हैप्पी, इसे तरह खुश रहो। टुडे वी विल टॉक अबाउट आर होम्स, आज आप कुछ गल्ला करांगे अपने घरां बारे। नाउ टेल मी हु आर द पीपल दैट लिव इन योर होम, हुण तुसी मैनू इंज दसो भी तुहाडे घर कौन कौन रहिंदे ने। अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी कहिंदा है, माय मॉम एंड माय डैड सर। जी मेरे मम्मी डैडी रहिंदे ने सर जी मेरे घरे। सेकंड स्टूडेंट, दूजा विद्यार्थी कहिंदा है, माय ग्रैंड पेरेंट्स। सर जी मेरे दादा दादी भी रहिंदे ने। थर्ड स्टूडेंट, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, मेरा भैन ते मेरे भरा रहिंदे ने। The teacher, very well, shabash. Who else lives there? Hor kon kon ne tuhade ghar ch? A student, fir ek vidyarthi kehnda hai, sir, a dog also lives with us in our house. Sade ghar vich kutta vi hai ji. I call it Tom. Main oda na Tom rakhya hai. It plays a lot with me. बहुत खेलता है जी टॉम मेरे नाल। सेकंड स्टूडेंट, देयर इज अ गोट इन माय हाउस एंड अ काउ आल्सो, दे गिव अस मिल्क। साडे घरे बकरी है जी, एक गां भी है, ओ सानू दूध दिंदियां ने जी। टीचर, अध्यापक कहंदे ने, ओ दैट्स ग्रेट, ओ शाबाश, एंड What do you feed them with? अच्छा, शाबाश, ते तुसी उना नू की खान नू दिंदे हो? Student, एक विद्यार्थी कहंदा है, We feed them with green fodder. I also give them water. ते student कहंदा है, विद्यार्थी कहंदा है, जी हरा चारा पाउंदे हां जी, ते मैं उना नू पानी भी दिंदा पीन ले। Teacher, फिर अध्यापक कहंदे ने, That's great, शाबाश. Anybody else? शाबाश, बहुत चंगी गल है। और दसो बई, और कोई दसना चाहता है? फिर एक विद्यार्थी कहता है, स्टूडेंट, वी हैव अ म्यूल, माय फादर यूजेस इट फॉर पुलिंग अ कार्ट टू कैरी गुड्स फॉर द पीपल। म्यूल का मतलब होंगे बच्चों खच्चर, ते इथे फादर्स नहीं आएगा, फादर आएगा, एक ही फादर होंगे ने ना, तो फादर आएगा। ते ओ दसदा है, भी हां जी मेरे घरे ता एक गधा हैगा है, ते मेरे पिता जी मेरे डैडी ओनू रेड़ी ला के जोड़ के लोकां दा समान एक थां तो दूजी थां छड के आंदे ने। फिर फॉर टीचर, अध्यापक लई, दस द टीचर विल हैव अ लाइवली टॉक विद द स्टूडेंट्स। इस तरह अध्यापक अपने तरीके नाल विद्यार्थियों नाल गलबात करेंगे। सम स्टूडेंट्स कैन टेल अबाउट देयर टेम्ड पिजन्स एंड रैबिट्स। हो सकता है कुछ विद्यार्थी करे पाले हुए कबूतरां या खरगोशां बारे भी गल करन, उना बारे भी दसन। द टीचर विल इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ लव एंड अफेक्शन इन द हार्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स टू मेक देम रियलाइज that all of us depend upon each other. ते इसे तरह अध्यापक एथे इस विधि राही बच्चियां अंदर ए एहसास पैदा करनगे कि साड़ी सब नाल सांझ है, असी सारे एक दूजे दे काम आंदे हां। If we take something from others, then we also give something to them. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਕੰਕਲੂਜਨ, ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ? ਥਰੂ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ A feeling in the minds of the students will rise that human beings and animals have mutual dependence. Is gativiti rahi vidyarthi andar e ehsaas paida hovega ki pashu pakshi te manukh di aapsi saanjh hundi hai.
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।